फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं हूँ आपकी दोस्त अनुभा कपिल। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम कैसे नींबू और नींबू के रस को स्टोर करके रख सकते हैं 6 से 8 महीने तक। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नींबू गर्मियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत चीज़ों के लिए काम आते हैं, बहुत सारी डिशेज़ बनाई जाती हैं नींबू की। पर नींबू गर्मियों के मौसम में इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और इस मौसम में नींबू के रेट काफ़ी सस्ते होते हैं। तो आप इस मौसम में नींबू ले आइए और इनको आप स्टोर करके रख लीजिए, और गर्मियों में किसी भी डिश में, किसी भी रेसिपी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि वीडियो आपको ज़रा सी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको एक लाइक देके जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, बताती हूँ कैसे स्टोर करेंगे नींबू को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला तरीका तो ये है कि नींबू को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, धोकर पोंछ लीजिए, या धोके नहीं पोंछेंगे तो भी कोई बात नहीं है। इसको ना हम सबसे पहले क्या करेंगे, नींबू को लेंगे, और मैंने लिया एक सरसों का तेल। इसकी जगह आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, कोई सा भी तेल ले लीजिए। और इसको अच्छे से नींबू को सब तरफ से हम इस पर रब कर देंगे। ठीक है, अच्छे से रब करने के बाद क्या होगा, ये नींबू सूखेंगे नहीं, फटेंगे नहीं, और ऐसे ऐसे सुरक्षित रहेंगे। और इसको बस आप कोई भी बॉक्स ले लीजिए, किसी बॉक्स में इनको डाल लीजिए। बस इन पर ये लगाना है नींबू का, नींबू पर तेल लगाना है कोई भी, अच्छे से लगाना है। और इनको इसमें डालकर बंद करके और इनको फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीजर में नहीं रखना, इसको फ्रिज में रख दीजिए, और नींबू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, यदि आप तेल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी टिश्यू पेपर लीजिए या न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसमें नींबू को अच्छे से बिना तेल लगाए अच्छे से इसमें अच्छे से पैक कर लीजिए, और इसको भी किसी बॉक्स में डाल लीजिए। ठीक है, डाल के ढक्कन लगाकर और इसको फ्रिज में रख दीजिए, और नींबू 6-7 महीने तक आराम से बिल्कुल सही रहेंगे। इनको फिर आप यूज़ कर सकते हैं कभी भी। अब बताया जा रही हूँ तीसरा तरीका। उस तरीके के लिए आप ये प्लास्टिक का या कांच का कैसा भी कोई जार कंटेनर ले लीजिए, उसमें भर लीजिए नींबू। तो देखिए, जैसे मैंने इसमें भर लिए हैं, इसमें इनको मैं धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें हम नॉर्मल सिंपल सा पानी डालकर इनको अच्छे से डाल देंगे, इतना पानी हो कि नींबू इसमें अच्छे से डूब जाए। तो ये देखिए, इसमें ये नींबू पानी नहीं डूब पा रहा था, इसको मैंने बाहर निकाले, एक ये भी नहीं डूब रहे, बस ये सभी नींबू अच्छे से डूब रहे हैं। ठीक है, इन नींबू को इतनी क्वांटिटी कर लीजिए पानी की, अच्छे से डूब जाएँ। और मैंने लिया है विनेगर, वाइट विनेगर जिसको बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, ये 2 से 3 चम्मच इसमें ऊपर से डाल दीजिए। डालने के बाद और कुछ भी नहीं करना है, इसको कर लीजिए बंद, और इसको भी आप रख दीजिए फ्रिज में। फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रख दीजिए, और आप इसको 6 से 8 महीने तक छोड़ो, ये साल भर तक भी ऐसे ही रहेंगे। आप इनको फिर आराम से कभी भी यूज़ कर लीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो बात हुई नींबू को स्टोर करने की। अब नींबू के रस को कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो मैं आपको 2 बहुत आसान से मेथड बताऊँगी। तो इसके लिए आप नींबू को लीजिए, उनको कट करके इनका रस निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे नींबू के रस को निकाल लिया है, निचोड़ लिया। इसको छान लीजिए, और छान के कोई भी बोतल, कांच की या प्लास्टिक की कोई भी बोतल ले लीजिए, उसमें कर लीजिए ट्रांसफ़र। बस इसका इतना ध्यान रखिए कि इसको पूरा मत भरिएगा, थोड़ा नीचे तक इसकी क्वांटिटी रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बोतल को मैंने भर लिया है, पूरा नहीं भरा है, और इतना भरने के बाद इसको आप बंद कर लीजिए, और इसको रख दीजिए आप फ्रीज़र में, जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं उसको फ्रीज़र में रख दीजिए। उसमें बड़े आराम से ये आप साल भर तक भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, टेस्ट ख़राब नहीं होगा। और जब गर्मियों में जब भी आपको ज़रूरत हो इसकी, इसको फ्रीजर से थोड़ी देर पहले निकाल लीजिए, और ये पिघल जाएगा, फिर इसको ले लीजिए रस जितना आपको चाहिए, और ये रस हमारा बहुत टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा यूज़ करने के लिए। नींबू का रस हमने निकाल लिया, अब बच गए बहुत सारे छिलके, और इनको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए आपको देखनी होगी मेरी अगली वीडियो। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी, जल्दी से इसको भी मैं शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, अगला और बहुत ही आसान सा मेथड एक और है नींबू के रस को स्टोर करने का, कि आप ले लीजिए कोई भी आइस ट्रे। ठीक है, नींबू का रस मैंने ले लिया है, इसको छान लिया है, इसको कर दीजिए फिल ट्रे को इस नींबू के रस से। कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ नींबू का रस डालना है इसमें। ओके, और अब इसको हम रख देंगे बंद करके जमने के लिए। जब ये जम जाएँ तो इसके आइस क्यूब निकाल कर हम स्टोर कर लीजिए किसी बॉक्स में, और फिर दोबारा और जमा सकते हैं। तो इनको हम रख देंगे जमने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक ट्रे पहले से जमा के रखी हुई है ये, और इनको आप तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये है ना, इसके हम क्यूब्स निकालेंगे, निकाल कर किसी और बॉक्स में डालकर प्रिपेयर करके रख लीजिए, जो स्टोर करके रख लीजिए, और उसमें भी वापस से और क्यूब्स डाल लीजिए। बहुत सारी इस तरह से आप क्यूब्स इकट्ठी कर सकते हैं। और इनका मैं आपको यूज़ बताती हूँ कि उसको 1 सेकेंड के अंदर, नहीं एक ज़्यादा कम हो गया, 2-4 सेकेंड के अंदर आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब आपको हमें नींबू पानी बनाना है, तो ये लीजिए क्यूब लीजिए, एक क्यूब ली हमने ली, इसमें मिलाई ठंडा पानी, ठंडा या सिंपल कैसा पानी लीजिए, जिस सर्दियों गर्मियों में आप इसे यूज़ करते हैं या जब भी शिकंजी बनाना चाहते हैं। पानी मिलाया, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए पीसी हुई चीनी, ये हम हमेशा घर में तैयार कर रखनी चाहिए, ताकि कभी भी यूज़ करनी हो तो आपको चीनी हाथों उतना पीसनी पड़े। और थोड़ा सा काला नमक मिलाया हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, इनको कर लीजिए मिक्स, और आप देखिए आपकी शिकंजी मिनटों में बनकर तैयार है।
वैसे से आपको ना नींबू का रस निकालना पड़ा ना आपको कुछ और तामझाम करने पड़े और ये नींबू का रस बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आप देखिए हमारी इंस्टेंट चिकन जी बनकर तैयार है। इसमें यदि आप चाहें ज़्यादा नींबू रस चाहिए, ज़्यादा खट्टापन चाहिए तो 2 क्यूब डाल लीजिए, और साथ साथ आपकी छोटी सी रेसिपी भी मैंने शेयर कर दी। तो फ्रेंड्स नींबू के और नींबू से रिलेटेड मैंने बहुत सारी मेथड आपको शेयर किए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको एक लाइक कीजिए और चैनल पर विजिट करके देखिए। यदि आपको चैनल पर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, चलती मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।